आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देर रात होने वाली चोरी की इस वारदात में लाखों रुपए के सोने के आभूषण, तकरीबन 500 ग्राम चांदी समेत एक मोबाइल फोन पर चोरों ने हाथ साफ कर मुख्यालय पुलिस को नई चुनौती दे डाली है। वहीं पीड़ित परिवार का इस घटना के चलते हाल बेहाल है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी में शामिल 3 संदिग्धों के कैद होने की बात कही जा रही है। परिवार की मुखिया रामहेत साहू ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर चोरी के इस घटना का खुलासा जल्द किए जाने की मांग की है। जानकारी मिलने पर थाना क्षेत्र की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोरी की वारदात से जुड़ा ये मामला कुमरौड़ा गांव का है, जहां रामहेत साहू के घर पर देर रात 3 चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के सोने के आभूषण, तकरीबन 500 ग्राम चांदी और एक मोबाइल फोन ठिकाने लगा दिया है। घटना देर रात तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। वहीं पासी में रहने वाले गांव के प्रधान के निवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद 3 संदिग्ध व्यक्तियों पर शक जाहिर किया जा रहा है। शहर कोतवाली महोबा में पीड़ित परिवार के मुखिया ने लिखित तहरीर सौंप कर घटना के अनावरण की मांग की है। वहीं सूचना पर पहुंची थाना क्षेत्र की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देर रात होने वाली इस घटना ने पुलिस के लिए एक और चुनौती पेश कर नया सरदर्द पैदा कर दिया है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। मेरे घर साथ रात में आज 4 तारीख की रात में चोरी हो गई है, जिसमें मेरी बेटी थी, ससुराल से आई हुई थी, और मेरी बहू का जेवरात चला गया है। सोना था जिसमें लगभग 7 तोले के अनुमानित और आधा किलो से ऊपर करीब चांदी के सामान थे, और बच्ची का जो है 20,000 रुपया नगद था, और लड़के का मोबाइल भी साथ में ले गए वो। हाँ सर, सुबह गए हम 6 बजे कोतवाली, तो वहाँ बोले कि एप्लीकेशन लिख के दो, तो हमने एक एप्लीकेशन लिख के ले गए, तो वो बोले कि अभी जो है टाइम है 10 बजे आएंगे, कल ईद रही है तो अभी जो सो रहे हैं लोग, और फिर हम इसके बाद भेजते हैं 10 बजे तक। मेरे घर में चोरी हो गई है रात में 2 बजे के आसपास, और घर पे सब लोग बाहर सो रहे थे और बगल पे कैमरा लगे हुए हैं। हम लोगों ने जब प्रधान जी का मकान है बगल पे, उसमें सुबह कैमरा में देखा है जो लोग थे, उसकी जानकारी नहीं मिली अभी तक। सर मेरे यहाँ मेरा सामान गया है, मम्मी का गया है, मेरी घरवाली का गया है, वो मेरी बहन थी उसका गया है। कीमत की बात की जाए तो सर वही 7-8 लाख के आसपास। हमारे घर में चोरी हो गई है, हम लोग सब लोग यहाँ बाहर लेटे थे और वो चोर आए और चोरी कर ले गए। जब सुबह नींद खुली तब देखा भैया ने, उसमें हमारा पूरा जेवर था और भाभी का था और मम्मी का था। हम चाचा की लड़की की शादी थी तो इसलिए आए थे वहाँ ससुराल से, तो जेवर लेके आए थे, वो दे नहीं रहे थे, पर फिर भी हम ले आए। ऐसे करीबन हमारा माला सब लोगों का टोटल 8-9 लाख का था, सब मिला के मम्मी पापा के भी पैसे चले गए, हमारे भी चले गए। कितने पैसे चले गए? 20,000 थे हमारे। और क्या गया? और सब कुछ चला गया, बड़ा माला, कमर पेटी, भैया का मोबाइल चला गया, 2,000 रुपए एक और कमरे में ऐसे छोटे मोटे रखे थे वो भी निकाल ले गए। बजे की घटना है जी? 1-1.5 बजे की घटना, उसके बाद 3 बजे तक वो निकले हैं, पता नहीं है। वो 3 लोग हैं बता रहे हैं, वो पीछे से चढ़ गए हैं टंकी से और जीना से आए हैं एक लोग, और उसके बाद गेट खोला है तो 2 लोग अंदर से आए हैं। कैमरे में देखा है, सीसी कैमरा लगा है, प्रधान की यहाँ पे लगा है तो बगल से कैच करता है गेट पे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।